बुंदेलखंड के महोबा में एक बार फिर बेटी का सौदा हुआ है। गरीबी और मुफलिसी से परेशान युवती को परिजनों द्वारा 50,000 रुपये में बेचे जाने का सनसनी मामला सामने आया है। बुंदेलखंड में गरीबी की दास्तान किसी से छिपी नहीं है। जरजोरू जमीन को लेकर सरेआम इंसानी रिश्ता का कत्ल हो रहा है। मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाले बाबूलाल की बेटी का उसके सगे छोटे भाई कल्लू, भाभी बहन मीरा और जीजा हकीम सिंह ने मिलकर सीमावर्ती हमीरपुर में सौदा कर दिया। आरोप है कि चारों ने मिलकर नशीली पदार्थ खिलाकर जबरन कमरे में बंद कर दिया। तभी क्रेता छोटे ने मेरे साथ 5 दिनों तक बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मेरे द्वारा शिकायत की बात कहने पर सभी ने मारपीट कर कमरे में बंद कर दी और कोर्ट लाकर शादी कर दी। किसी तरह जान बचाकर महोबा कोतवाली में शिकायत लेकर पहुंची। पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि यह सभी लोग एक बार पूर्व मेरी भांजी का 70,000 में सौदा कर बेच चुके हैं। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी स्वामीनाथ ने कोतवाली एसएचओ विपिन त्रिवेदी को मामले की जांच सौंप दी। हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में बहन भाई रहते हैं। हमारे पापा ख़त्म हो गए थे तो 13वीं में हमारे भैया ने हमें बुलाया था कि पापा ख़त्म हो गए हैं, उनकी 13वीं में आ जाओ। वहाँ आने के बाद 13वीं के दिन उसी लड़के को बुलाया जिसके साथ हमारे साथ ये घटना करी उसने। उनका नाम छोटे है, रहते खड़े ही में है। 28 तारीख को हमारे साथ ये घटना करी गई। हम जब घटना हुई, जब हमारे भैया भाभी छत पे सो रहे थे, मतलब छत पे चले गए थे वो, और जब घटना हो रही थी, हमारे जीजा के साथ वो लड़का लेटा हुआ था, बगल में हमारी खाट डाल दी गई। हमें ये नहीं पता चला कि कब हमें, मतलब उसके साथ में बराबर में सुला दिया गया। हमारे साथ जब वो लड़का कर रहा था, जब हमें थोड़ा होश सा आया तो हमने जीजा को जगाया। हमारे जीजा बोले कि चुपचाप लेटी रहो। जब हमने ज़्यादा आवाज़ करी तो हमारे भैया भाभी ऊपर से आए। जब हमने आवाज़ करने लगे तो हमारे भैया भाभी ने हमारा मुंह दबा के हमारा, मतलब मारने लगे कि चुप रहो। जब हम नहीं माने तो हमें धमकी दी गई कि अगर ज़्यादा बोली तो हम यहीं मार देंगे। उसके बाद 6-7 दिन रुके हम करारा। उसके बाद ज़्यादा हंगामा करा तो हमारे जीजा को हमारे भैया ने बुलाया कि इसे ले जाओ। वहाँ पर भी हम 4-5 दिन रुके। वहाँ पर हमारे भैया भी थे जो हमसे बड़े थे। मतलब ये घटना के बाद हमारे भैया जिसने हमें बेचा और जीजा ने, वो दोनों बोले कि ठीक है लड़के के घर जाना देखने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद उनकी क्या सलाह हुई क्या नहीं ये भी पता नहीं हमें। वहाँ आने के बाद उसके दूसरे दिन हमारे, मतलब पीठा में कुछ खिलाया गया। वहाँ से खिलाने के बाद हमें कब वहाँ पर ले गए, हमें को होश आया ही नहीं। वहाँ हमीरपुर ले जाने के बाद हमें एक, मतलब कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए। हमने पूछा तो इस पे साइन क्यों करवा रहे हो, तो उन्हें हमारे साथ वहाँ भी मारपीट करी। हमने डर के वजह से उसमें साइन कर दिए। आगे जब हमें ये सब कुछ करवा लिया, जब आगे हमें ले गए तो खड़े ही में, जब भी हम नशे की हालत में थे। वहाँ जाने के बाद हमने पूछा कि हमें घर जाना है, भागने की कोशिश करी तो भागने नहीं दिया। मतलब रेप वहाँ भी करा गया हमारा। कितनी बार रेप किया गया तुम्हारा? यही 5-6 दिन। 5-6 दिन? 5-6 दिन, मतलब रोज हुआ है। हा? रोज हुआ है ये। तो 5-6 दिन बराबर हमारा रेप हुआ है। आगे का पता नहीं हमें। अच्छा, तुम्हें फिर कैसे पता पड़ा कि तुम बिक गई? किसने तुम्हें बेचा है? कौन है? कौन कौन बेचने वाला है तुम्हें? कौन? हमारे भैया हैं, हमारी भाभी हैं, साथ में जीजा जीजी है, और ख़रीदार हमारे वहाँ खड़े ही में रहते हैं। 25-25 हज़ार दोनों ने बांटा है। जब हमने हंगामा मचाया है तो वो बोले जब हमें हमारे घर पे खड़े ही भेज दोगे तो 50,000 वहाँ दे देंगे। सर, ये लड़की ने एक आरोप लगाया है यूपी में कि उसको जबरन सौदा किया गया, उसके भाई ने उसको बेचा है, उसके जीजा ने उसको बेचा है। क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह का मामला है, क्या शिकायत दर्ज कराई थी लड़की ने कल? क्या कल रोशनी, डॉटर ऑफ बाबूलाल, निवासी करारा कला,
ये कल एक एप्लीकेशन यहाँ दे गई थी जिसकी फौरी तौर पर तत्काल जांच कराई गई। जांच से दोनों पक्षों को आज बुलाया गया थाने पर। थाने पर जब दोनों पक्ष आए तो आपस में विवाद हुई कि 12/4/19 को इस लड़की की हमीरपुर में छोटे लाल के साथ शादी हुई थी। सर, इसने क्या किस तरह के आरोप लगाए थे, वो किस पे आरोप लगाए थे अपने? इसने प्रथम दृष्टा ये जो एप्लीकेशन में जांच की गई थी, आरोप ये लगाए गए थे कि मेरे पति द्वारा बहन और बहनोई और सबको पैसा दे के मुझको शादी कराई गई, जबरन शादी कराई गई। अंत में यही निष्कर्ष निकल के आया है कि लड़की उस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती है गांव में, बस। महोबा से UP24 न्यूज़ के लिए संतोष कौशिक की रिपोर्ट।